आइए आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में देखिए और सीखे द नेटिंग चैनल में तो मैं सबके लिए फिर से एक टिकेट डिज़ाइन ले के आया हूँ ये न्यू डिज़ाइन है आप इसे मोटिव कह लें या फिर आप इसे टी कोस्टर कह लें कुछ भी कह सकते हैं और इसे जोड़ के आप टेबल कवर बेडशीट कवर कुछ भी बना सकते हैं इसे जोड़ के आप तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हम लच्छी वाली पतली वाली थ्री प्लाई उंग लेंगे हम और यहाँ पर क्रोसिया यूज़ करेंगे हम टेन नंबर क्रोसिया तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम सेवन चेन लेंगे इस तरह से पहले गांठ लगा लें आप अब यहाँ से सेवन चेन बनाएंगे हम चेन को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन सेवन चेन हमने बना लिया अब जो पहली वाली चेन है यहाँ इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इन दो फंदों से इस तरह से निकाल लेंगे हम यहाँ पे अब देखिए यहाँ से हमें थ्री चेन बनाना है वन टू थ्री अब जो हमारी ये बीज की गोलाई बन गई इसके अंदर डालते हुए हमें उन्नीस डबल क्रोसिया बनाना और एक हमने जो ये चेन बनाई है तो टोटल बीस यानी ट्वेंटी डबल क्रोसिया बना के कम्प्लीट करना इस रिंग के अंदर हमें तो यहाँ हमने लिया इसे इस तरह से निकाला दो फंदे फिर दो फंदे ये डबल क्रोसिया हो गया एक बार बनाया हमने ये दो डबल क्रोशिया और एक चेन ये थ्री तीन हो गए चार पाँच इसी तरह से करते हुए हमें टोटल बीस डबल क्रोशिया बना के इस रिंग के अंदर कंप्लीट करना है यानी ट्वेंटी डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करें टोटल हमने यहाँ पे बीस डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है तब जो हमने यहाँ पे थ्री चेन बनाई है वन टू थ्री सबसे ऊपर वाले चेन में जाके में से ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से अब यहाँ से हम इलेवन चेन लेंगे यानी ग्यारह चेन लेना हमें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह टोटल एलेवन चेन हमने ले लिया अब देखिए क्या करना है हमें क्रोशिया पे हमें पाँच बार धागा लपेटना है फाइव टाइम धागा को हम इस तरह से लेंगे वन टू थ्री फोर और ये फाइव यानी पांच बार धागे को हमने लिया तो टोटल हमारे क्रोशे पे छः हो जाने चाहिए एक दो तीन चार पाँच छः अब देखिए ये जो अगला वाला चेन दिख रहा है आपको जहाँ से हमने बुनाई की है उसके बस जस्ट बगल वाले चेन में हम इस तरह से डालेंगे क्रोशिया और दो दो फंदे करते हुए छः बार निकालना है हमें इस तरह से ऐसे हमने कर लिए दो फंदे निकालेंगे एक हो गया फिर दो फंदे निकालेंगे दो बार हो गया फिर से दो फंदे निकालेंगे तीन हो गया फिर से दो फंदे निकालेंगे चार हो गया फिर दो फंदे निकालेंगे पाँच हो गया फिर दो फंदे निकालेंगे छः हो गया टोटल हमने छः बार से दो दो फंदे करके निकाला है हमने अब देखिए यहाँ पे फिर तीन चेन लेंगे वन टू और ये थ्री यानी तीन चेन लेना है हमें फिर से हम धागे को पांच बार लेंगे एक दो तीन चार और ये पांच गिन लीजिएगा जब आपको क्रोसे पीछे हो जाए तो समझ में आ जाएगा आपका कि मैंने पाँच बार ले लिया एक दो तीन चार पाँच छ देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिर से हम इसी तरह से करेंगे ये यहाँ पर डालेंगे और दो दो फंदे करके निकालेंगे एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार और ये छह बार सिक्स टाइम निकालना है हमें फिर से थ्री चेन लेंगे हम वन टू थ्री टोटल हमने यहाँ पे ट्वेंटी डबल क्रोशिया किया है तो ट्वेंटी हम ये ट्रिपल क्रोशिया जो है ये जो हमने ये बनाया है सेम आपको इसी तरह से बनाते हुए ट्वेंटी बार करना है फिर आके यहाँ पे यहाँ के आपको जोड़ना है इस तरह से जोड़ना है यहाँ से काउंट कर लेंगे वन टू थ्री चेन छोड़ेंगे फोर्थ चेन पे यहाँ से बनाते हुए आके फोर्थ चेन पे आके यहाँ पे जॉइंट करना है आपको तीन चैन पहले काउंट कर लेंगे वन टू थ्री चैन छोड़ेंगे फोर्थ चैन पे आके इधर गोलाई में बनाते हुए आके जोड़ लेंगे तो चलिए पूरा बनाते हैं फिर दिखाते हैं आपको तो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है देखिए अब यहाँ से आगे की बुनाई किस तरह से होगी मैं दिखाती हूँ आपको तो देखिए हमने यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लिया है तब वन टू थ्री चेन छोड़ते हुए फोर्थ चेन पे हमने इसे जॉइंट कर लिया है अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसके अंदर यहाँ पे डालेंगे इस तरह से और एक सिंगल क्रोसे पहले कर लेंगे हम अब यहाँ से वन टू थ्री फोर चेन लेंगे हम फोर चेन लेने के बाद क्रोसे पे दो बार धागा लेंगे एक बार और ये दो बार यानी ट्रिपल क्रोशे करना है तो यहाँ पर डालेंगे हम दो फंदे निकालेंगे फिर दो फंदे क्रोसे पे फंदे रहने देंगे वन टू फिर से लेंगे यहाँ पर डालेंगे फिर से ट्रिपल क्रोशे करेंगे वन और ये टू क्रोशे इसी पर रहने देंगे फंदे फिर से एक बार लेंगे एक और ये दो फंदे लेने हैं हमें दो फंदे गिराएं फिर दो फंदे गिराएं, और फिर क्रोसे पे चार फंदे हो जाने चाहिए एक दो तीन चार क्या करना है सभी को एक साथ इस तरह से बंद करेंगे हम बंद कर लिया, अब यहाँ से नाइन चेन लेंगे हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सॉरी सेवन एट और ये नाइन नाइन लिया हमने फिर देखिए इसी तरह से कहेंगे दो बार धागा लपेटेंगे क्रोसे पे एक और ये दो और जो अगला गैप आया यहाँ भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे दो बार फंदी गिराएंगे और फिर दो बार और क्रोस पे ही फंदे रहने देंगे गिराना नहीं है हमें फिर एक बार लेंगे दो बार धागा लिया हमने साइड कर लेंगे इसे एक बार फंदे गिराया हमने दो फिर से एक और ये दो फंदे गिराएंगे और क्रोस पे ही फंदे रहने देंगे इसी तरह से चार बार हमें करना है यानी फोर टाइम करना है एक और ये दो यहाँ पे लेंगे हम इसे फिर से दो फंदे लेंगे दो फंदे लिए और फिर दो फंदे अभी देखिए थ्री हो गए हमारे पास और फिर से इसी तरह से करेंगे हम एक और ये दो दो बार लिया फिर इसके अंदर डालेंगे हम दो फंदे लेंगे फिर से दो फंदे लेंगे देख टोटल तो हमारे पास पांच हो जाने चाहिए क्योंकि एक फंदा पहले से है तो एक दो तीन चार पाँच सभी को एक साथ बंद करेंगे हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे नाइन चेन लेंगे हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन फिर से कुर्से पे धागा लेंगे हम इस तरह से एक बार और ये दो बार फिर यही डिज़ाइन फिर रिपीट करेंगे हम यहाँ पे एक बार लिए दो बार लिए फिर से यहाँ पे करें ouais करेंगे नेक्स्ट वाली जगह पे तो यहाँ पर लेंगे हम दो बार फंदे इस तरह से लिए और दो बार क्रोशिया पे ही फंदे रहने दिए गिराना नहीं है आपको फिर से एक बार लेंगे दो बार लेंगे फिर से दो दो फंदे करके गिराएंगे और लास्ट का फंदा क्रोशिया पे ही रहने देंगे एक बार गिराया हमने और ये दो बार यहाँ पर फंदे रहने देंगे फिर से एक और ये दो लिया हमने इसके अंदर डालेंगे एक बार निकाला और ये दो बार देखिए फंदे इसी में रहने देंगे फिर से एक और दो बार धागा लेंगे फिर इसके अंदर डालेंगे पहले दो फंदे गिराएंगे और फिर दो फंदे गिराएंगे और जो बचे उसे कोरे से पे रख लेंगे और देखिए टोटल वन टू थ्री फोर फाइव हो गए सभी को एक साथ बंद करना है हमें और बंद करने के साथ ही नाइन चेन लेना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन इसी तरह से करते हुए हमें पूरा राउंड में इसी तरह से बनाना है हमें गोलाई में बनाते हुए आके यहाँ जॉइंट करेंगे तो चलिए बना लेते हैं पहले ये देखिए बना के हमने पूरा कंप्लीट कर लिया आप इसे फोर प्लाम उनसे भी बना सकती हैं तो अब क्या करेंगे यहाँ पे नाइन चेन हमने ले लिया नाइन चेन लेने के बाद जो सबसे पहला हमने यहाँ पर जो इस जगह जॉइंट करेंगे पहले चेन से निकाल लेंगे हम अब इस जगह आएंगे फिर वापस और एक सिंगल क्रोशिया लेंगे यहाँ से टोटल अब फाइव सिंगल क्रोशिया करेंगे देखिए एक हमने ले लिया दो तीन चार और ये पांच यानी फाइव सिंगल क्रोशिया हमने लिया अब यहाँ से फोर चेन लेंगे वन टू थ्री और ये फोर अब फिर से यहाँ डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे वन सिंगल क्रोशिया, टू सिंगल क्रोशिया, थ्री सिंगल क्रोशिया, फोर सिंगल क्रोशिया और ये फाइव सिंगल क्रोशिया इस तरह से फिर से ये नाइन जो चेन बनाए हमने फिर यहाँ आएंगे, यहाँ डालेंगे फिर से हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे वन सिंगल क्रोशिया, टू सिंगल क्रोशिया, थ्री सिंगल क्रोशिया फोर सिंगल क्रोसिया और ये फाइव सिंगल क्रोशिया टोटल फाइव सिंगल क्रोसिया करेंगे फाइव सिंगल क्रोसिया करने के बाद फोर चेन लेंगे हम वन टू थ्री और ये फोर फोर चेन लिया हमने अब यहाँ पर डालेंगे फिर से यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे वन सिंगल क्रोशिया टू सिंगल क्रोसिया थ्री सिंगल क्रोशिया फोर सिंगल क्रोशिया और ये फाइव सिंगल क्रोशिया इसी तरह से करते हुए हमें पूरा कंप्लीट करेंगे जैसे मैंने यहाँ बनाया सेम इसी तरह से हर गैप में डालते हुए हमें बनाना है फाइव सिंगल क्रोशिया फोर चेन फिर फाइव डबल क्रोशिया फाइव सिंगल क्रोशिया सॉरी इसी तरह से करते हुए पूरा राउंड करेंगे फिर दिखाते हैं बना के आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो जाती है तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है आप चाहे तो इसे जोड़ जोड़ के बड़ा सा चादर बना सकती हैं या कुछ भी बना सकती हैं तो उम्मीद है आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक क्या करें और फुल वॉच करें तो चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ थैंक यू